हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। इस रीडिंग में ये चेक करेंगे आज पूरे दिन आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से कर लीजिए, घंटी को ज़रूर दबाएं। प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है। ठीक है, कॉल अलाउ नहीं है। आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। ऐसी चीज़ होगी जिसको आप आपकी फैमिली सेलिब्रेट करोगे, कोई सक्सेस हो सकता है, सक्सेस आपको मिल सकता है, आपकी फैमिली में किसी को किसी तरह का खुशी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, आज पूरा दिन आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपके बारे में, ऑल सेंस रीडिंग है। क्या सोचेंगे आपके पार्टनर आज पूरा दिन आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या होगा आपके लिए। ओके, बॉटम में आए हैं ड्रीम। पेशेंस, साइलेंस, कंप्लीशन, मैच्योरिटी, पॉसिबिलिटीज और यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है और यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंटली आपके पार्टनर आपका मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन को इंतज़ार है, इनका सपना पूरा होने का इस पर्सन को इंतज़ार है, उस दिन का जब आप दोनों मिलेंगे, जब आप दोनों का यूनियन होगा, जब आप दोनों रिकनसाइल करोगे, जब आप दोनों कॉन्टैक्ट में आओगे, जब आप दोनों का कंप्लीशन होगा, जब आप दोनों के बीच बातचीत होगी। ये पर्सन आपको मिलने को, आपको हग करने को बेकरार है, आपको हग करना चाहते हैं, आप पर सपना देख रहे हैं। ये पर्सन धैर्य बनाकर रखा हुआ है, इस पर्सन ने आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच बातचीत होगी, जब ये जो खामोशियाँ हैं आप दोनों के बीच, ये जो दूरियाँ हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ कुछ करने वाले हैं, कुछ एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन काफ़ी दिनों से कुछ सोच रहे हैं कि अब वक्त आ गया है फैसला लेने का, अंतिम फैसला लेने का, अब मुझे लेना ही होगा। अगर अब मैंने नहीं लिया तो शायद ये सही नहीं होगा मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। अब समय आ गया है कुछ करने का, पॉसिबिलिटीज इस पर्सन को नज़र आ रही है। होपफुल आपके पार्टनर हैं आपके रिश्ते को लेकर, इनको ऐसा लग रहा है बस थोड़ा सा देरी है फिर सब कुछ सही है, इनका एक्शन लेने की देरी है फिर ये पर्सन सब कुछ सही कर देंगे, ये इनका थॉट्स मैं देख पा रही हूँ। जो देरी हो रही है आपके यूनियन में, रीयूनियन में, शायद इनके तरफ से ये पर्सन डिले कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इनको कुछ करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपकी ओर आने की ज़रूरत है, अपने दिल की बात बताने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपना थॉट्स आपसे शेयर करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। तो इस पर्सन को आज ये लगेगा, इस बारे में सोचेंगे कि मेरे ही साइड से डिले हो रही है। जितना इंतज़ार आप कर रहे हो इस पर्सन का, उतना ही इंतज़ार ये पर्सन भी कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को क्या से क्या बना दिया है, काफ़ी मैच्योर बना दिया है। प्यार का एक अलग ही परिभाषा आपने सिखाया ही इस पर्सन को, इंतज़ार करना सिखाया है, प्यार क्या होता है ये सिखाया है। आप इनके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हो, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या सेक्सुअली डिजायर्स काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन का आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बेबी चाहते हैं, आई थिंक इन्होंने कहा है या आगे कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप इनके बेबी के फादर मदर हो, या तो ये पर्सन आपके साथ बेबी चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे आज के दिन। ये पर्सन कॉन्शियस हो चुके हैं आपके रिश्ते को लेकर,
अब इनको पता है किस पर्सन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फैसला लेना है, इनका एक्शन क्या होना चाहिए, क्या बातचीत करना है, किनसे क्या बातचीत करना है, आपसे, फैमिली से, कैसे डील करना है, इनको अच्छे से पता है। आपको और आपके रिश्ते को लेकर ये पर्सन कॉन्शियस अवेयर हो चुके हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो और चेक कर लेते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एशेंस क्यों है यहाँ पर? बिल्कुल, इस पर्सन को इंतजार है कम्युनिकेशन का, मिलने का। 8 डेज के अंदर आप दोनों के बीच बातचीत होगी, डेफिनेटली होगी। अगर बातचीत नहीं हो रही है, कांटेक्ट में नहीं हो, काफ़ी जल्दी भी हो सकती है, ठीक है, पर 8 दिनों के अंदर बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन खुद से आपको करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके इंतज़ार कर रहे हैं, जब इंतज़ार नहीं होगा तो ये पर्सन खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। मैच्योरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी से ये पर्सन गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी को कंसल्ट इन्होंने किया है, तो सही गाइडेंस इस पर्सन को दिया गया है। तो अब ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ कुछ करने वाले हैं, इस स्टकनेस वाले एनर्जी से बाहर आने वाले हैं और आपको भी निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये पर्सन सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, या वो नहीं देख पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए, ये पर्सन को ये समझ नहीं थी, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके रिश्ते में कंप्लीशन ला सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, इनका जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो अब इस पर्सन को समझ आ गई है, ठीक है, बिल्कुल कम्युनिकेशन होने वाली है आप दोनों के बीच। ये पर्सन अपना दिल का हाल बताएंगे, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको कितना चाहते हैं, कितना आपका इंतज़ार किया है, आप इनके लिए कितना मायने रखते हो, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। आप इनकी एनर्जी में ना अट्रैक्शन देखोगे, अपने लिए लव देखोगे, एक पैशनेट एनर्जी देखोगे, एक जुनून देखोगे इस पर्सन में, ठीक है। यस, कम्प्लीशन के लिए पर्सन हार्डवर्क करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं, बिना गिव अप करे, जब तक आप दोनों का कम्प्लीशन नहीं हो जाता। ये पर्सन अपने इंट्यूशन का बात सुन रहे हैं, इस पर्सन ने किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित पंडिताइन, किसी से कंसल्ट लिया है इन्होंने, ठीक है। तो अभी पर्सन काफी होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको मोटिवेट किया गया है, तो यस कुछ करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, ये मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है, या मैनिफेस्ट कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, ये आपका मैनिफेस्टेशन का असर है, ये आपने मैनिफेस्ट कैसा हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन आपको लेकर कॉन्शियस हो चुके हैं, आपको लेकर, आपके रिश्ते, अपने फैमिली को लेकर, ठीक है। अब इनको पता है कि किन का बात मानना है, किन का सुनना है, किन का नहीं सुनना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में किसी ने इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया है, इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया है, या किसी और के कंट्रोल में थे, किसी और के कंट्रोल में इस पर्सन का दिमाग था, इनका माइंड था, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ठीक है। आपको ग्रांटेड लेना, आपको यूं ही ले लेना, हल्के में ले लेना, आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन के लिए आप कोई मायने ही नहीं रखते, क्योंकि ऐसा इन्होंने ट्रीट किया है, हो सकता है। तो अब ये पर्सन आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, कौन कैसा है इनको समझ आ गया है। बिल्कुल, आपके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके लिए, फैमिली के अलावा, यस, या तो फैमिली या तो कोई और रोमांटिक पार्टनर है, तो इनके लिए ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इनका ड्रीम क्या है आपके साथ? हैप्पी फैमिली का, घर बसाने का, आप दोनों खुश रहो, हमेशा साथ में रहो, यही इनका ख्वाब है, दिन रात यही सपना देखते रहते हैं। तो ये पूरा करने के लिए कुछ करने वाले हैं आप, फाइनली आपके पार्टनर, ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी मिला है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, आप इनको क्या गाइड करना चाहते हो, इनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप?
अभी इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए। मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए, अपने हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते पर फोकस कीजिए। ग्रैंडेड मत लीजिए उन लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट हैं, जो आपसे बेहद प्यार करते हैं। अपने बच्चों अपने फैमिली पर फोकस कीजिए। अगर आप किसी के हस्बैंड वाइफ हो, इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनके साथ आपका बेबी है या आपकी फैमिली, अगर ये पर्सन आपको ग्रैंडेड दे रहे हैं, इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो आप भी मूव ऑन कीजिए। अगर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, इनका बेबी है अलग सा, इस पर्सन ने आगे बढ़ गए हैं आपसे, तो आप भी मूव ऑन कीजिए। सच्चाई को देखिए, ठीक है, खुद को इतना ज़्यादा दर्द देना सही नहीं है। कौन आपको क्या दे सकता है, क्या दे रहा है, ये देखिए। आपके लिए एडवाइस यही है, मैसेज आपके लिए यही मिल रहा है। करियर पर फोकस करें आप, अपने ड्रीम को फॉलो करें आप, और कौन आपको क्या दे रहा है, क्या दे सकता है, वो देखिए, ठीक है। ट्रैवल कीजिए अपनी लाइफ में, ट्रैवलिंग सही हो सकता है, वो कीजिए जो आपके लिए सही है। सोचिए आपके लिए क्या सही है राइट नाउ, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए किसी न किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक मैसेज और मिल रहा है मुझे आपके लिए, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। कि चलो उसने एक बार कहा, लेने आ गए वो, या आपको सॉरी कहा और आप तुरंत ही मान जाओ, ये पर्सन जैसे आपसे कराना चाहते हैं वैसा करा लेते हैं हमेशा, आप कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस कर लेते हो, ये सही नहीं है ना। हर बार कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना कि उसने मुझे कहा है तो मैं वो कर लूँ, अपना सम्मान आप खुद करिए तभी कोई और करेगा, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना खुद का प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल अलाउ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।